आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। जौनपुर नेवड़िया थाना बाजार में मुकेश कुमार रसलुहा निवासी की जूता चप्पल की दुकान पर मोहित दुबे जूता लेने गए, लेकिन मुकेश कुमार उस समय अपने दुकान पर नहीं थे। उनका भतीजा अभय कुमार दुकान पर बैठा था, जिससे मोहित दुबे ने जूता लिया और जब अभय ने जूता का पैसा मांगा तो मोहित दुबे ने गाली गलौज देते हुए कहा कि पैसे बाद में दूंगा। तब मोहित दुबे अपने साथियों को बुलाकर अनायास दुकान में दिन दहाड़े मारपीट किया और दुकान में रखा सामान तोड़फोड़ कर चले गए। जब इसकी सूचना मुकेश कुमार को लगी तो उन्होंने नेवड़िया थाना में FIR दर्ज करवाया। क्या लेके गए? हमारे दुकान से हमारे कीमती कीमती जूते चप्पल थे वो उठा लेकर गए और उसके बाद जो है हमारे गल्ला तक उठा ले गए। हमारी कुर्सी तोड़ फोड़ की गई है। गल्ला लेके गए तो उसमें पैसा पैसा तो उसमें था ही। अब भाई हम लोग हमें जो है कि मार्केट करना था, शुक्रवार को मार्केट करना था। बताइए कितना पैसे लेके गए? उसमें जो भी था लगभग कितना हुआ? तो 35-40 हज़ार रुपया कम से कम था मेरा। 35-40 हज़ार रुपया लेके चले गए और रिटर्न नहीं किए? रिटर्न नहीं, वो तो लेकर गए जिधर जो जिधर गए थे जिधर गए चले गए थे उन्नाव में सफीपुर के मवई भान में कुछ लोगों को राशन प्रत्येक महीना दिया जा रहा है और बहुत से लोगों को राशन दिया ही नहीं जा रहा है। कोटेदार ने इस पर बताया कि तुम्हारा नाम कट गया है। कोटेदार की ये साजिश है। प्रधान के द्वारा जो काम नरेगा में कराया जा रहा है उसमें काम करने वाले मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। कौन से कितना राशन? 34 किलो मिलता है। कितने रुपए? 100 रुपए हर महीने मिल रहा है? हर महीने मिल रहा है। कोई ऐसा महीना जिस महीने? नहीं ऐसा तो नहीं है। तो तीन महीना जो लोग बता रहे हैं उनको बता रहे हैं और राशन वाले कोई है? राशन वाले बोलिए। हमारा नाम राकेश और पत्नी का किसाना का नाम से आया था। एक बार हमको दिया, फिर बेर बार कहते हैं तुम्हारा नाम कट गया, तुम्हारा नहीं मिले। कितना राशन दिया? वो एक बार हमको 25 किलो दिया था। 25 किलो? हाँ। और फिर कहते अब नहीं मिलेगा, लाल कट गया तुम्हारा राशन कार्ड। लाल कार्ड था? नहीं। अच्छा, लाल कार्ड का राशन एक बार दिया? हाँ, बस एक बार दिया। नहीं, और चार बच्चे हमारे 6-7 लोग हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। जमीन बिल्कुल नहीं? नहीं, दो बिसुए है तो क्या है। सही बात है। और आप बोलिए। हमारे को भैया हमको नहीं मिला। क्या नाम है? रामचिरी। पति का नाम? फिर बेलार। क्या नहीं मिलता आपको? राशन नहीं देती हैं। पहले 35 किलो देते रहे, अब की बहुत दिन से देते नहीं। अच्छे यूनिट है तो ये दो ही यूनिट रखा है। 10 किलो देती हैं और 5 बिसवा 7 बिसवा खेती है मेरे। तो आपने कोटेदार से बोली तो कहते नहीं किस तरीके से यहाँ धांधा गिरी कोटेदार के माध्यम से व प्रधान के माध्यम से हो रही है। यहाँ हम आपको विधिवत जानकारी दिया है। इन लोगों की इतनी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कहने के नहीं। और एक भैया हैं, इनसे भी हम जानकारी लेना चाहते हैं। ये जो रोड है ये बने हुए इसको हो चुके हैं RCC करीब 2 साल हो गए हैं। कभी 2 साल इसके बने हो चुके हैं RCC। अब ये बनी है कि नहीं बनी है आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उन्नाव में फतेहपुर चौरासी के तलिबपुर रहली में प्रधान जी ने पेंशन दिलाने के नाम पर लोगों से लिया पैसा, किसी व्यक्ति से 1,000 रुपए तो किसी से 2,000, लेकिन फिर भी किसी को कोई पेंशन नहीं मिली। हम उन्नाव के ब्लॉक फतेहपुर चौरासी और ग्राम सभा ग्राम पंचायत तालिबपुर रहली में खड़े हैं। जिस वक्त यहाँ पे दिया गया है कि आवास व्यवस्था व राशन व्यवस्था व पेंशन व्यवस्था देखा गया है कि हम आपको विधिवत बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं किस प्रक्रिया से यहाँ ग्राम सभा में किस तरीके से इस व्यवस्थाएं में समस्याएं आ रही हैं। इस वजह से हम एक एक ग्रामवासी से बात कराना चाहते हैं जहाँ पे आपको विधिवत हम जानकारी वो दे सकें। आइए हम बात करते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? मुन्नीलाल। क्या समस्याएं हैं आपकी ग्राम सभा में? अरे साहब ये इतना चहला है और सारी जनता तकलीफ है, हमको सारी जनता तकलीफ है।
है और सब जो है पेंशन वाली हमारे पेंशन नहीं है साहब, नहीं कुछ नहीं, ना राशन है। दादाजी थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। इसके प्रति आपने कहीं सूचना दी? सूचना का दिन कागजों के लिए लिखा लिखा लीजिए प्रधान, लेकिन नहीं कुछ नहीं। क्या नाम है आपका दादाजी? अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या हमका कुछ नहीं। अच्छा, आपने कहीं इसके प्रति सूचना दी? सूचना का हम रुपये 1000 खाड़ो और ना लौटो नहीं देखो नहीं। किसको किसको दिया पैसा? मदन। ये मदन कौन है? मदन प्रधान पहले। अच्छा, किस वजह से पैसा दिया? यह है 60,000। अच्छा, कितने दिन हुए पैसा? 1000 रुपए देने के लिए उनसे भी 10,000 रुपए लेके वो भी नहीं हुआ। राशन और कागज कुन्ना हमारे पास है, पेंशन भी हमका मिलती है, 7 साल वाली मिलती है और जो है हमको परेशानी ना तेल मिले ना साला मिले ना कुछ मिले। रास्ता की क्या नाम है? कुछ नहीं, क्या समस्या है? हमारे को पेंशन नहीं मिलती। अच्छा, और सब सामान मिलती। ये जो आपका रास्ता दिखाई दे रहा है, इसके प्रति आपने कहाँ कहाँ सूचना है दी दादाजी? वीडियो पास और इनको प्रधान पास प्रधान से कहाँ वीडियो पास प्रधान प्रधान देते हैं, कहीं प्रधान जाने दादाजी। वाराणसी मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत मानपुर छत्री ग्राम वासियों ने विश्वकर्मा पूजा के उपरांत कजली का आयोजन किया, जिसमें समस्त ग्रामीण एवं क्षेत्रीय लोगों ने सम्मिलित होकर नाच गाना का आयोजन किया। इसमें कछुआ रोड, चित्रसेनपुर आदि ग्रामवासियों ने अपना अपना गायन प्रस्तुत किया तथा लोगों का मनोरंजन भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यकर्ता अशोक विश्वकर्मा, धीरज सिंह, शंभुनाथ केसरी आदि लोग सम्मिलित रहे। खबरों का सिलसिला आगे इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।